जरा घूमने गोवर्धन चलिए, वहाँ अलबेली सरकार है। जरा घूमने गोवर्धन चलिए, वहाँ अलबेली सरकार है। सारे संकट वहाँ कट जाएंगे, वहाँ संकट के काटन हार है। वहाँ जाओ वो ना मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम वहाँ जाओ वो ना मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो वर मांगो वो ना मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बंसी वाले का दरबार है, वो सुनता सभी की पुकार है। वहाँ बंसी वाले का दरबार है, वो सुनता सभी की पुकार है। सारे संकट वहाँ कट जाएंगे, वहाँ संकट के काटन हार है। गिरिराज जी के चरणों में जाके जो भी शीश झुकाएगा, गिरिराज जी के चरणों में जाके जो भी शीश झुकाएगा। साचे मन से दे पर तुम्मा, मन चाहा पल जाएंगे, वहाँ संकट के काटन हार है।
भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धादि चोरे यशो विसारी कुमारितानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी मम प्रभु श्री गिरिराज
शिरवा कारित कुमारी रासोत्सवो द्वेल रसावे प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी 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 श्री कृष्ण ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि आज भी कृष्णमय है। चाहे वह भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हो या रास लीलाएं, ब्रज उन सब का साक्ष्य है। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आज भी भगवान श्री कृष्ण के यादों को संजोए हुए हैं। सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर, कुंड, कुंज आज भी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शनों का आभास कराते हैं। यह वह स्थान है जहां
लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के लिए दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। गोवर्धन तू जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ। ना माने मेरो मनुआ अररररर ना माने मेरो मनुआ। ना माने मेरो मनुआ अररररर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ। सात शेर की करुर कढ़ैया। 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 अरे पूरी अरे पूरी अरे पूरी पुआ बनाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ। बगल में राखूं तोसा बांध बगल में राखूं। 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 मैं तो मन आवे वहां खाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ। मानसी गंगा नाऊ मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ।
गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री 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 गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, बर्फी को भोग लगाऊं, मेरी वीर नाय माने मेरा मनुआ हो, माने मेरो मनुआ, अर 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 नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, अरे बीबी नाय माने मेरो मनुआ हो, मैं तो गोबर घन को जाऊं, मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोबर घन को जाऊं, मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोबर घन को जाऊं, मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोबर श्री गोवर्धन महाराज महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे दोनों हाथ से ताली बजा दो प्रेम से चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और कहाँ चढ़े तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार ए धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे चढ़े परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 और विश्राम कहाँ है चकलेश्वर, ओ चकलेश्वर है विश्राम, ओ विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो, चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हैं, विराज महाराज की जय।
रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, ओ तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। और देखो तो सही, थोड़ी पे थोड़ी पे हीरा लाल हे लाल, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर रंग महाराज ओ महाराज, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे कानन कुंडल चमक रहो, 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 तेरे कानन कुंडल चमक रहो। और देखो तो सही, तेरी झांकी रहो, तेरी झांकी बनी विशाल हे विशाल, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी झांकी बने विशाल हरि बोल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री जी को भोग लगाया है। भोग लगाकर सब गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगा रहे हैं और क्या गा रहे हैं सब मिलकर कि गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रेम से ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। श्री राधे हरि बोल, गिरिराज महाराज की जय हो। क्षेत्र में हर एक स्थान का एक अपना महत्व है, किंतु गोवर्धन का एक विशेष महत्व है। मथुरा से 21 किलोमीटर दूर मथुरा बरसाना मार्ग पर स्थित गोवर्धन पर भक्त जनों की भीड़ कभी कम नहीं होती। गोवर्धन की परिक्रमा 12 महीनों दिन रात चलती रहती है। दान घाटी से प्रारंभ होकर दान घाटी पर ही समाप्त होने वाली यह परिक्रमा भक्तों की भावनाओं और उनकी कृतज्ञता को दर्शाती है। महाराज
महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो तेरे माथे मुकट विराज रयो चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल 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 चढ़े और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो कुंडल सोई रहे तेरे कानन 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 कुंडल सोई रहे तेरी थोड़ी पे हो तेरी थोड़ी पे हो तेरी थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो तेरे माथे मुकट विराज रयो कंठा सोही रयो तेरे गले में 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 कंठा सोही रयो तेरी झांकी हाँ तेरी झांकी हो तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो तेरे माथे मुकट विराज रयो निकट बहे तेरे मान से गंगा 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 निकट बहे जम संत करे स्नान स्नान तेरे माथे मुकट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो
कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकले सर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। केसरिया हो तेरे अंग में जामा केसरिया, 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 तेरे अंग में जामा केसरिया। तेरो पटका हो, तेरो पटका लाल गुलाल गुलाल, तेरे माथे मुकट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। संता संतान अंतारो यत् पादाम्बुज रैणव स्वीयानाम तन्निजा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अमङ्गलानां शमनं मङ्गलानां महोदयं गोपाङ्गनानां सौभाग्यं गोकुले गोकुलेन्दुर्वयं नमः।
जलितं मधुरं प्रार्थना के बाद फिर क्या प्रतीक्षा। सभी गोपियां यमुना जी के तट पर रुरुदाह सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा वन वन भटकती हुई जब गोपियां ठाकुर जी के लीला का गान करती हुई तन्मय अवस्था तदाकार अवस्था को प्राप्त हो गई। वृक्ष वनस्पतियों से पूछा, लता पताओं से पूछा, प्रभगवद यशो गान गाय, वृंदावन के गुणानुवाद गाए, ठाकुर जी के अनेक लीला का गान गोपी गीत में 19 श्लोकों में 19 प्रकार की गोपियों ने अपने भाव के अनुसार किया और फिर अंत में प्रतीक्षा चलो श्री यमुना जी के तट पर, और यमुना जी के तट पर जाकर रुरुदह सुसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा के हे सखी तेरी कृपा से ही उन्होंने हमको वचन दियो थो, अब तू ही हमको ठाकुर जी के दर्शन करवा। ठाकुर जी के मिलन में ठाकुर जी की विनती वह श्री यमुना जी को करी प्रतीक्षा, और जब ठाकुर जी ने देखा कि अब गोपियों के
जो मैंने दर्शन नहीं दिए तो अब एक क्षण भी उनका देह टिक नहीं पाएगा। जब ऐसी अवस्था ठाकुर जी ने गोपियों की देखी तब आप उनके मध्य में तासाम आविरभु छोरी स्वयमान मुखाम्बुज पीताम्बर दरस्त्रग्वी साक्षात मन्मत मन्मत सुंदर पीताम्बर श्रृंगार धारण करके सुंदर श्रृंगार आभूषण आदि से अलंकृत होकर गोपियों के मंडल में आप प्रकट हो गए। सभी गोपियों ने श्री ठाकुर जी को घेर लिया, नाना प्रकार के प्रभु को प्रश्न पूछे और फिर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन अब श्री ठाकुर जी ने महारास का प्रारंभ किया, दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है। ऐसा मंडल तैयार हुआ और ये चंद सरोवर, ये आदि वृंदावन, ये धाम, ये शिवराज की तरेटी, यही भूमि पर आपने महारास के पांच प्रकार से रमण, पांच प्रकार से भक्तों को आनंद दिया। प्रियजन, ये रास ही ये फल है। आइए प्रियजनों, आज ये पूर्णाहुति का दिन, वह महारास जो गोपीजन राम दो, उससे पहले सर्व मनोरथी परिवार के लिए आचार्य ये मंच से, आचार्य पीठ से बहुत बहुत शुभकामना, आपके लिए प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। बाकी मूल रूप में बड़ों के तो आशीर्वाद मिलेंगे ही, लेकिन इस ब्रजानन महोत्सव के जो जो भी मनोरथी वैष्णव हैं सबके लिए बड़ी प्रसन्नता है। आपने बड़े अच्छे मन से ये कार्य में अपने अलौकिक धन का विनियोग किया है, तो खूब खूब आप मनोरथी परिवार के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, हमारे समिति के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कि आपने भी वैष्णवों की सेवा करने के लिए खूब श्रम लिया, खूब अच्छे भाव से सेवा करी, तो अपनी ब्रजानंद समिति, समिति के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी सेवा के लिए एक बार तालियों के साथ उन सभी सेवार्थियों का अभिवादन। और साथ ही साथ पूज्य श्री दादाजी, पूज्य श्री हरिदादा, आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की कृपा से ही महताम कृपया यावत भगवान दयिष्यति, जब महतों की कृपा होती है तभी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का प्रभु उस जीव पर दया करते हैं। तो पूज्य श्री दादाजी की कृपा, पूज्य श्री हरिदादा की कृपा, आपकी कृपा से हम सबको ये ब्रजवास सुलभ हुआ, आप महतों की कृपा से ये सत्संग हम सबको सुलभ हुआ, आपकी ही प्रेरणा। और तो पूज्य श्री दादाजी के चरणारविंद में कृतज्ञ भाव प्रकट करते हुए पूज्य श्री ज्येष्ठ भातृचरण, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, आपने ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगाध श्रम लिया, पूरा पूरा दिन गला भी आपका बंद हो गया, तो काफी श्रम, और आप सब जानते ही अच्छे तरीके से भली भांति से कि आप सब वैष्णवों की सेवा में ज्येष्ठ भातृचरण का विशेष आग्रह, सेवा में आपकी तत्परता रहती है, स्वयं खुद इन्वॉल्व होकर उसमें जुड़ते हैं समिति के साथ, और वैष्णव जो पधारे हैं उनकी सुचारू व्यवस्था चलती रहे, पूरा आनंद ले पाए, इसकी सतत उसके लिए चिंतनशील और गतिशील रहते हैं। तो खूब खूब आप आचार्यों की कृपा से ये ब्रजवास सुलभ रहा, तो आप आचार्यों के चरणों में कृतज्ञ भाव प्रकट करते हुए, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सब वैष्णवों के लिए खूब खूब हृदय में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, आपने इतने अच्छे सुंदर भाव से, एकाग्रता से कथा का श्रवण किया, रोज मुझे वैष्णव आकर ये भाव के जैसे खूब आनंद आया, खूब आज ये चीज समझ में आई, ये बात और एक बार समझा दें, तो अपने अपने मनोभाव प्रकट किए, तो खूब आप श्रोताजनों के लिए खूब खूब हृदय से જયશ્રી એવી આજ્ઞા કરે છે કે એક મોટું રાઉન્ડ કરો, આખા આપણે ગ્રાઉન્ડ માં થાય ને એવું મોટું રાઉન્ડ કરો, સળંગ એક રાઉન્ડ કરો એટલે બધાને રમવાની મજા આવે. હે રંગ રસિયા તારો રાહડો માનીને ગામને છે વાડે બેઠા, રંગ રસિયા તારો રાહડો.
छबीला तारा और रंगीला तारा रंग भेरू जुवे तारी वात रंग लो हे रंग लो जाम्यो कालिंदी ने घाट छोगाड़ा तारा और छबीला तारा ए रंग रसियो रमे छे रास मां श्री यमुना जी रंग रसियो रमे छे रास हे गोरी राधा ने काड़ो कान गर्भे घूमे भूली भान रे गोरी गोरी राधा ने काड़ो कान गर्भे घूमे भूली भान रे हे राधा नो रूप छे कानूडन प्रीत छे जगनी रीत नो सुकाम राधा नो रूप छे कानूडन प्रीत छे आँखों मांडी ने जुवेगा गोरी 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 राधा ने काड़ो कान गर्भे घूमे भूली भान रे गोरी गोरी राधा ने काड़ो कान गर्भे घूमे भूली भान हे पश्चम ना राधा रानी पूरव नो कानूडो केवी आ हंस नानी जोड़ रे नवरंगी रातो मारु में जुमे मेलड़ी कामन गाराए ना कोड रे पश्चम ना राधा रानी पूरव नो कानूडो केवी आ हंस नानी जोड़ रे नवरंगी रातो मारु में जुमे मेलड़ी कामन गाराए ना कोड रे राधा नु तंगड़ु नाचे मनड़ु नाचे कानानी मोरली भुलावी दे सोने भान गोरी 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 राधा ने काड़ो कान गर श्री चरणों में विनती करूंगा कि आप अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को संबोधित करने की कृपा करेंगे बोलो श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने एकादशी तो कल हती बोलो श्री गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने बोलो ब्रज आनंद महोत्सव की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यार्थहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति योयत श्री वाक्पतये नमः श्रीमदाचार्य चरण कमले भ्यो नमः हरिदास वर्य हम सभी पुष्टि जीवों के छत्र श्री गिरिराज जी के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम मंच पर विराजमान ब्रज आनंद महोत्सव के सर्वाध्यक्ष जिनके मंगल आशीर्वाद से यह ब्रज आनंद महोत्सव आनंदमय
संपन्न होवे जा रहे है, ऐसे पूज्य दादाजी पितृचरण एवं हमारे परिवार से भी ज्यादा मैं यूं कहूं कि उनको परिश्रम है। इतने इतने वैष्णव इनको जोड़ने ये कोई सरल नहीं है। आज अकोला महाराष्ट्र और कहां कहां से वैष्णव अपने यमुना मंडल में जुड़ के अपनी ये यात्रा में आए हैं। तो मैं तो मेरी तो बड़ी बहन है और मैं उनके लिए बोलूँगा ज़्यादा तो आपको यूँ लगेगा कि ये तो भाई है और बोले तो हमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जितनों मैं कहूँ हमारी सुशीला बहन के लिए उतनों कम है। कई कई आयोजन कई कई मनोरथ उनके द्वारा भय हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। अभी तो ये मनोरथ चल ही रहे हो तो भी ये मुको कई बार मिला है तो कहते हैं अब आगे का हो बन कि ये पूरा तो होवे दो एक अपन घर तो पहुंचे सुख शांति सु फिर कछु कछु दूसरे मनोरथ की कुछ दूसरी यात्रा की दूसरे आयोजन की विचार करें। उनके मनोरथ श्री यमुना जी की कृपा से चलते ही रहें। ऐसे ही हमारे यमुना मंडल के सभी कौन कौन के नाम दूँ सोनल बहन गंगाबाद जो भी ये मनोरथी बने हैं हमारी सीटी धारी मधु बहन सभी यमुना मंडल की जितनी भी मेरी बहनें हैं जो ये मंडल में ये यात्रा में जुड़ी हैं उन सभी को हृदय से खूब खूब साधुवाद है शुभ भावना है। ऐसे ही मनोरथ आपके द्वारा आगे भी ब्रज मंडल में अकोला में अपने भारत वर्ष में अधिक से अधिक होते रहें। बस श्री यमुना जी को यही विनती श्री गिरिराज जी को यही विनती करूं। ऐसे ही हमारे ये यात्रा के जो जो मनोरथी भय हैं उन सभी को हृदय से शुभ भाव प्रकट करते भय अधिक से अधिक आप सब वैष्णवन के लिए शुभ भाव प्रकट करते भय आप सबन को ये यात्रा में कछु भी